हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यदि आप कोई भी बोया का माइक हो या किसी तरह का माइक हो यदि आप में काम नहीं कर रहा है आपके डिवाइस में तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान था। और मैं बता दूँ आपको, मैं 3 दिन से ज़्यादा इस पर समय दे चुका हूँ फिर भी मेरा जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा कि क्या है ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल माइक जैसे बोया का माइक है आप उसको यूज कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या तरीका है चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको आना यहाँ पे इस सेटिंग पे, ठीक है, यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद करना क्या होता है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर डायरेक्ट आप जाएंगे साउंड पे। ठीक है, साउंड पे जाने के बाद करना क्या होता है, आपको जाएंगे रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे। देखिए हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला मेरा माइक्रोफोन है वो काम कर रहा है। ठीक है, पहले काम करिए देखिए आपका माइक सही में सेटअप है कि नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास, देखिए स्पीकर हेडफोन रियलटेक आ रही है। ठीक, ये आपका पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आप दिया है, हेडफोन रियलटेक आ रही है। आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। यदि आपको सिर्फ स्पीकर दिखाई दे रहा है और हेडफोन नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह है कि ना तो आपके लैपटॉप में ना ही ईयरफोन कनेक्टेड है और ना ही यहाँ पे कोई भी मतलब जो अदर होता है एक्सटर्नल डिवाइस वो कनेक्टेड है। यहाँ पे सिर्फ जो स्पीकर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें आता है वही कनेक्टेड है। तो आपको ये पता करना होगा कि ये दोनों आपको ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करने दी, मतलब कहाँ कैसे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ देखिए, आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, आपको यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये आइकन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर दो डिवाइस आपके ठीक है कनेक्टेड है। तो यह तरीका होता है पहचानने के कि आप सही में कनेक्टेड है कि नहीं है। यदि ईयरफोन भी कनेक्टेड होगा तो आपको दिखाई देगा और आपको जो भी हमारा माइक हो वो भी कनेक्टेड वो दिखाई देगा। तो पहला तरीका ये होगा फाइंड करने का। दूसरा क्या होता है, आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए टेस्ट माइक्रोफोन में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है बार बार ये जो हमारा ये पॉपअप हो रहा है, ठीक है, ये आवाज़ बार बार जा रहा है, इसका मतलब मेरा माइक काम कर रहा है। ठीक है, माइक अगर टेस्टिंग करना है तो इसके भी एक और तरीका होता है वो आपको अब दिखाऊंगा। इसके बाद देख लीजिए आप जो आउटपुट डिवाइस होना चाहिए उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर जो हमारे देखिए हेडफोन है और स्पीकर है। तो आप चूंकि आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो आउटपुट में देखने के लिए क्या करना, मैंने यहाँ पे स्पीकर को आप हमेशा करिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर हमेशा क्या करिएगा आप, यहाँ पे इनपुट में माइक्रोफोन के अलावा कोई कुछ मत करिएगा आप, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये इसको दोनों का आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं वॉल्यूम बढ़ाने उड़ाने का, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है। तो आपने यहाँ पर देख लिया। दूसरा ये होता है अगर आपको माइक काम नहीं कर रहा है तो इसके अलावा एक और कारण हो सकता है, तो आपको क्या करना, माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पे यार बात क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ माइक्रोफोन का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस आप दिया है चेंज पे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे यदि देखेंगे आप माइक्रोफोन एक्सेस फॉर दिस डिवाइस, यदि यहाँ पे अगर आपका मतलब क्लोज, आपको यहाँ पर क्लोज नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको ऑन रखना है। ऑन करने के बाद देखना ये भी है कि आपके डिवाइस में जितने भी हमारे ऐप होंगे उन सारे को एक्सेस देना होगा, मतलब जो भी जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि अगर आप मतलब उसको एक्सेस नहीं देंगे तो आप उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे OBS देखिए हमने आप यूज कर रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप ही OBS यूज कर रहे हो या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो यदि उसमें करंटली दिखा रहा हो तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो यूज कर रहा है माइक हमारा, ठीक है। तो यह तरीका हो गया उसे फाइंड करने का, ठीक है। दूसरा यह होता है कि आपको अगर ऑफ भी काम नहीं कर रहा है तो इसका क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आना होगा और आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए ओपन साउंड सेटिंग इस पर जा सकते हैं। अभी मैं इस पर जाकर आपको दिखाया था, फिर साउंड पे जाएंगे, साउंड में जाएंगे देखिए हमको यहाँ पर ये जरूर दिखेगा कि यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, अगर नहीं हो रहा समझिए आपका माइक काम कर ही नहीं रहा है, 100% काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो माइक काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपने लगाया हुआ है बट वहाँ पर सेटिंग वोटिंग नहीं हुआ कुछ, ठीक है। प्लेबैक में क्या होता है कि जो भी हमारा स्पीकर होता है जिससे हम सुनते हैं वो वाला है यहाँ पे, ठीक है, और हेडफोन हुआ है, ठीक है, या स्पीकर बाई डिफॉल्ट इसमें होता है, ठीक है, इसमें इसको कोई लेना देना नहीं है। यह हेडफोन हुआ है जो मैं अभी लगाया हूँ जो कि जो बोया का माइक है वो इसका है, ठीक है, ये दिखा रहा है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग में देखिए मेरा कोई इसी से रिकॉर्डिंग मेरा हो रहा है, इसका क्या करना, डबल क्लिक करना है इस पर, ठीक है। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये वाला, खासतौर से ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब काम नहीं कर रहा हूँ लास्ट इससे समझ लिया है एक तरह से, इस पर क्या करना डबल क्लिक करना है। अब करना क्या, जनरल में देखिए यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ जरूर देख लीजिएगा आपका क्या डिसेबल तो नहीं है यहाँ पे, अगर डिसेबल होगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना इनेबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिसेबल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस पर टिक मत करिएगा, खासतौर से इस पर भी सिर्फ टिक रहना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे लेवल पर और लेवल पर आने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला जो लेवल माइक्रोफोन का इसको आप यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे 60 तक कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है वो लेवल हाई कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे, मैंने क्या कहते हैं 10 कर दिया था और इसको 100 कर दिया था, इसकी वजह से ना ही आवाज़ आ रहा था और ना ही काम कर रहा था। अब मैं क्या किया यहाँ पे इसको 60 मतलब कर दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो इसको बड़ा घटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया सिर्फ 59 किया है और इसको क्या किया 30 dB तक कर दिया, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं ये वाला खास तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए इस पूरे मतलब वीडियो में तो मैं आपको दिखा दूँगा यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिया क्योंकि यहीं से मेरा जो सॉल्यूशन है वो मुझे मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे करना था यहाँ पे आने के बाद 59 और 30 dB, उसके बाद क्या करना है अप्लाई पर क्लिक करेंगे, जब आप चेंज करेंगे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका क्या करना ओके पर क्लिक करना होगा, ये वाला काम करेंगे। उसके बाद जो आपका माइक है वो एकदम पक्का है काम करेगा, ठीक है। अगर आपने माइक को अगर ऐड किया हो तो, क्योंकि ऐड करेंगे तो इतना जल्दी यहाँ जरूर पता चल जाएगा, ठीक है, ये वाला पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको पता करने का कि कहाँ पर काम करें, इसका यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे
लिसन पे, और यहाँ पर नहीं क्या करना है आपको दिखाना है। यहाँ पर क्या करना, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर स्पीच रिकॉग्निशन, इस पर क्या करना है क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करना, देखिए आपको पास सेटअप माइक्रोफोन ऑप्शन है, यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और देखिए हेडसेट माइक्रोफोन, डेस्कटॉप माइक्रोफोन और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं क्या करूँ डेस्कटॉप पर ही क्लिक करके देख रहा हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए पूरा सेटअप माइक्रोफोन का पूरा ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर क्या नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए पूरा हमको पढ़ने के बोल रहा है, अगर पढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आप देखिए बेटर टेक्स्ट टू हिज कंप्यूटर ही प्रीफर्स ई टू टाइपिंग एंड पार्टिकुलरली प्रीफर्स टू पेन एंड पेपर, जब तक जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा काम करना शुरू कर देगा। तो यह तरीका होता है इसको फाइंड करने का, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सबसे अच्छा तरीका यह होता है फाइंड करने का, यहाँ पर अगर पॉपअप हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका माइक 100% काम कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर अगर मैं बोलता नहीं, अगर माइक नहीं लगाया होता तो ये मेरा जो है वो काम नहीं करता, ठीक है। और ये तरीका हो गया आपको फाइंड करने का कि कैसे आप काम करेंगे इसमें और कैसे आपको माइक है वो काम कर रहा नहीं कर रहा कैसे पता करेंगे, ये तरीका दोनों का फाइंड करने का हो गया। मेन तरीका तो यही है, आप यहाँ पर देखेंगे ये काम करेगा तो ही 100% करेगा, हालांकि अगर इसको ऑटोमेटिक भी होता है यहाँ पे, चूंकि अगर हम अब माइक यूज नहीं करेंगे तो भी हमारा ये ऑटोमेटिक होता है, बट ये थोड़ा थोड़ा होता है, मगर जब हम ज़्यादा अगर माइक यूज करेंगे तो ये थोड़ा है स्पीड थोड़ा इसका ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए। देखिए मैं तेज बोल रहा हूँ तो ये और ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो यह तरीका होता है इसको फाइंड करने का और बोया माइक को ठीक करने का, और बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, इसके अलावा आप चाहेंगे तो मान लीजिए आपने यहाँ पर आया और डिवाइस मैनेजर पर गए, ठीक है, आपको मैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने का नहीं बोलूँगा, आपको मैं करना क्या आपको डायरेक्ट आऊँगा डिवाइस मैनेजर पर, ठीक है। और अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे आएंगे, और देखिए हमारे पास जो ऑडियो इनपुट आउटपुट है ना, यहाँ पे आने के बाद देखिए हेडफोन है, फिर माइक्रोफोन है और फिर हमारा स्पीकर है। स्पीकर वो है जो कि इसमें ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट है, ठीक है, और माइक्रोफोन वो है जिससे हम मतलब बातें कर रहे हैं और बोल रहे सुन रहे हैं, ठीक है, और हेडफोन वो है जो कि मतलब अभी जो भी ईयरफोन भी लगाते हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोफोन कारण आने के बाद क्या करना है, डबल क्लिक करना और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आपका ड्राइवर अपडेट नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा, तो क्या करना है इसको अपडेट कर देंगे अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो। ये मैं लास्ट ऑप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए ये हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने नहीं बोलूँगा यहाँ पे, और उसके बाद ये हमारा काम हो गया हमारा, जिसको आप चाहेंगे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके। तो मैंने आपसे इतना ही बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पहले चीज़ ये जरूर चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पर काम कर रहा है रियल में नहीं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि यदि आपको जो हेडफोन है वो भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और डिवाइस मैनेजर है उसको सर्च करना है। डिवाइस में सर्च करने बाद क्या करना कि आपको जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करिए, ठीक है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने बाद देखिए हम यहाँ पे आगे कैटेगरी पे, तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना, लास्ट आइकन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके अंदर जो रियल टेक HD ऑडियो मैनेजर होना चाहिए, जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत थोड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि हेडफोन में और एक या और फिर माइक्रोफोन एयर वाला में क्या किया मैंने, यहाँ पे लेफ्ट राइट है सही सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइक्रोफोन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर जो एडवांस होता है ना माइक्रोफोन एयर में, इस सबसे मेन होता है यहाँ पे मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस प्ले बैक टू डिफरेंट ऑडियो स्ट्रीम स्टिमुलेसली, इस पर टिक करना होगा। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग और डिवाइस होती है टाइप सेम द टाइप इनपुट इन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद ओके पर क्लिक करना होता है। तो मेन यही होता है यहाँ पे, अगर आपको ऑडियो काम नहीं कर रहा हो तब की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने उसे माइक के लिए बताया है तो आपको ये जरूरी होता है ये सब करना, ठीक है। बाकी इसके लिए आप ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी ऑप्शन इसमें होता है, तो आपको ऊपर है कब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद क्या किया, आपने यहाँ पे आने के बाद रिकॉर्डिंग भी गया और यहाँ पे जैसे मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो आपको ट्रबल शूटिंग भी काम कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपको ना किसमें दिक्कत आपको है, तुम्हारे हार्डवेयर में साउंड में दिक्कत है तो मैं आप यहाँ पे आऊँगा, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हमको रहा है तो देखिए रिकॉर्डिंग में यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारा बता देगा दिक्कत है कि नहीं है, हालांकि मेरे को दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करूँगा, ओके। बाकी के नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थैंक यू।